एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 14th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड SMB साथी उत्सव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। तो हाल ही में व्हाट्सएप इंडिया ने अनाउंस किया है एक अपना इनिशिएटिव जिसका नाम है SMB साथी उत्सव। और इसका एम क्या है, जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना और उनकी हेल्प करना ताकि वो अडॉप्ट कर सकें डिजिटल मीडियम को, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप के बिजनेस एप्लीकेशन को। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अब पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है जयपुर सिटी में, जहाँ पे 500 स्मॉल बिजनेसेस को ट्रेन किया जाएगा कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को ऑनलाइन रन कर सकते हैं। और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद जोश टॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इन स्पेस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। सबसे पहले इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है इन स्पेस का हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद सिटी में। ठीक है, और ये जो नया स्पेस सेंटर है ये पार्ट है इसरो का और ये हेल्प करेगा स्पेस के एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट प्लेयर्स को इन द स्पेस सेक्टर। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन किए गए हैं बिटवीन स्टार्टअप्स एंड इसरो ताकि वो साथ में कोलैबोरेट कर सकें इन द स्पेस सेक्टर। ठीक है, विच इज द वेन्यू ऑफ द बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में और एम क्या है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म की हेल्प से लोगों को कनेक्ट करना, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स, फिर साइंटिस्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, और ये जो एक्सपो है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी और बिराक। बिराक क्या चीज़ है, बायोटेक इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल। ओके, द नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी वॉज इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह एट द सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कैंपस इन हैदराबाद। वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि हाल ही में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में और इसी के साथ इंडिया के अंदर टोटल सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हो चुकी हैं 7। ठीक है, तो एक तो हो गई हैदराबाद में, बाकी रेस्ट 6 कौन सी हैं, चंडीगढ़ में, कोलकाता, हैदराबाद, फिर पुणे में है, गुवाहाटी में है और भोपाल में है। ठीक है, विच लोकेशन हैज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर बीन इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो इस सेंटर को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है लेह लद्दाख में। ठीक है, नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट अंडर द इंडो नेपाल बाइलेटरल एग्रीमेंट। तो नई फूड लेबोरेटरी FSSAI की इनॉग्रेट की गई है बिहार स्टेट में रिसेंटली। ठीक है, इसके अलावा दो और चीज़ें याद रखिएगा, नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, कहाँ पे, गुजरात स्टेट में। ठीक है, तो ये दोनों भी चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हाल ही में नोटिफाई किए हैं ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 ताकि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम को एक्सेलरेट किया जा सके। ठीक है, तो इस नए रूल के तहत जो भी कंज्यूमर्स हैं
वो ग्रीन पावर की डिमांड कर सकते हैं फ्रॉम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स. और जो ग्रीन ओपन एक्सेस है ये अलाउड है सभी कंज्यूमर्स के लिए, और जो लिमिट है ओपन एक्सेस ट्रांजैक्शन की उसको भी रिड्यूस कर दी गई है. पहले ये वैल्यू थी 1 मेगावाट और अब इसको कम करके कर दिया गया है 100 किलोवाट ग्रीन एनर्जी के लिए. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी. विच मिनिस्ट्री लॉन्च द गति शक्ति संचार पोर्टल? तो इस पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने, और इस पोर्टल की हेल्प से जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है वो फाइबर्स को ले करने का प्रोसेस और तेज़ी से कर सकता है. साथ ही जो टावर इंस्टॉल किए जा रहे हैं फॉर 5G रोल आउट वो भी फिर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से करे जाएंगे. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कोलाबरेटेड विद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री टू क्रिएट शॉर्ट मूवीज शोकेसिंग द रोल्स ऑफ वुमेन चेंज मेकर? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है नेटफ्लिक्स, जिसने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ में मिलके ये डिसाइड किया है कि ये शॉर्ट मूवीज बनाएंगे वुमेन के रोल को हाईलाइट करने के लिए एज अ चेंज मेकर. विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022? तो इंडिया की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी हाल ही में लॉन्च की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च्ड द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म अलॉन्ग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इस स्ट्रेटजी को लॉन्च किया है अलॉन्ग विथ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? नैरोबी इन केन्या. राइट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल प्रोजेक्ट? तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उत्तराखंड स्टेट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022? तो US प्रेसिडेंट जो बिडेन और बहुत सारे अदर वर्ल्ड लीडर्स ने एक साथ इकट्ठे होकर लॉस एंजलिस में ऑर्गेनाइज किया 9th समिट ऑफ द अमेरिकाज. ठीक है, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है हर 3 साल पे, और डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को ये एक साथ लेकर आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे वेस्टर्न रीजन के, ताकि वो बहुत सारे इश्यूज के बारे में चर्चा कर सकें. फॉर एग्जांपल, इमिग्रेशन, ट्रेड एंड पॉवर्टी. ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने होस्ट किया था पहला समिट ऐसा इन 1994, कहाँ पे? इन मियामी. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज में थी. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द समिट ऑफ अमेरिकाज? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा लॉस एंजलिस. विच सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रूज टूरिज्म इन 2022? तो इसके लिए होस्ट है मुंबई सिटी. इन विच सिटी डिड इंडियाज फर्स्ट बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपन? तो इंडिया का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन जो कि पावर होता है बाय बायोगैस, ये ओपन हुआ है कहाँ पे? मुंबई में. द इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 वॉज कंडक्टेड इन विच सिटी? आंसर इज कोयम्बटूर. विच सिटी वुड होस्ट द फर्स्ट सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु. विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसका हेडक्वार्टर्स है ढाका बांग्लादेश में. ठीक है, बिम्स्टेक के अंदर में कौन सी कंट्रीज आती हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल. टोटल 7 कंट्रीज हैं इसमें. और बिम्स्टेक इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है. सेक्रेटरी जनरल कौन है बिम्स्टेक के? तेंजिन लैकफेल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड एज द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर बाय द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इन 2022? तो रामकृष्ण मुक्काविली जो कि हेड हैं हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप मैत्री एक्वाटेक के, इनको सेलेक्ट किया गया है एज अ ग्लोबल SDG पायनियर बाय द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क. ठीक है, तो ये पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं जिनको कि रिकॉग्नाइज किया है UNGC ने एज वन ऑफ द 10 न्यू SDG पायनियर्स फॉर 2022. और इसके पहले इनको सेलेक्ट किया गया था एज इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर बाय
यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया। एक्चुअली इन्होंने अपने एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेशन का यूज़ करके 100 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर जनरेट किया है एयर की हेल्प से, ठीक है। इसी वजह से इनको ये ऑनर दिया गया है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉज ऑनर्ड फॉर फिल्म एंड टेलीविजन अचीवमेंट्स एट द MTV मूवी एंड TV अवार्ड्स 2022? आंसर हो जाएगा जेनिफर लोपेज। करुणा नंदी एंड खुर्रम परवेज हु वर इन द न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच ऑनर? इनको एक्चुअली फीचर किया गया है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में इस साल, राइट। और इन दोनों नाम के अलावा इसमें एक और नाम था, तीसरा गौतम अदानी का, और ये बिजनेस पर्सन है, ठीक है। करुणा नंदी सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं और खुर्रम परवेज कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। विच कंट्री इज द फर्स्ट एवर ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द मार्क ड्यू फिल्म ऑफ कैंस फिल्म फेस्टिवल? आंसर हो जाएगा इंडिया। द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑन 23rd ऑफ अप्रैल इन ऑनर ऑफ विच इंग्लिश ऑथर? तो हर साल 23 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करती है इंग्लिश लैंग्वेज डे इन ऑनर ऑफ विलियम शेक्सपियर। और याद रखिएगा 23rd ऑफ अप्रैल को ही हम स्पैनिश लैंग्वेज डे भी ऑब्जर्व करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड द सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर ऑनरिंग अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन? आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ 15 लाख रुपीज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 15 लाख रुपए का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इन द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर बैंक है ये एक्सटेंड करेगी अपने नए इंश्योरेंस कवर को, जिसमें कि टेररिज्म अटैक्स को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और ये जो फ्री ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस कवर है इसको एक्सटेंड किया जाएगा सभी परमानेंट एम्प्लॉयज को इन एसोसिएशन विद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। याद रखिएगा LG ने जम्मू कश्मीर बैंक के साथ मिलकर फोन पे लोन फैसिलिटी को भी लॉन्च किया है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ओके। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू सेटअप यूनिट्स इन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? ये इंस्टीट्यूशन है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में, ठीक है। द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड वॉज रिसेंटली गिवन टू द अटल टनल विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज लोकेशन टू द अटल टनल? तो याद रखिएगा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है अटल टनल को, और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश स्टेट में। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द बीच विजिल एप्लीकेशन? इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है गोवा में, और गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, ठीक है। और एम क्या है? बीच का बेसिकली अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना, ठीक है। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक एज द स्टेट बटरफ्लाई? याद रखिएगा ब्लू ड्यूक स्टेट बटरफ्लाई बन चुकी है सिक्किम स्टेट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली इलेक्शन कमीशन हैज नेम्ड विच स्पोर्ट्स पर्सन एज द स्टेट आइकन? तो यंग क्रिकेटर यश दुल को बनाया गया है स्टेट आइकन फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेट किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट में एनरोल करें खुद को। इसके अलावा इनको पार्टिसिपेट किया जाएगा डिफरेंट कॉलेज लेवल वोटर अवेयरनेस इवेंट्स में। और याद रखिएगा यश धुल कैप्टन थे इंडियन विनिंग टीम के एट द 2022 ICC Under-19 वर्ल्ड कप इन द वेस्ट इंडीज, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे जो न्यूज़ में थे आजकल। हु हैज़ बीन नेम्ड लुइस विटन्स फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर? तो आंसर हो जाएगा एक्ट्रेस दीपिका पदुकोण। विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन साइंड ऑन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ एरोस्पेस? तो हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है महेंद्र सिंह धोनी को। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव? आंसर हो जाएगा रॉबिन उथप्पा। विच कंपनी हैज़ नेम्ड शुभमैन गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़ एज द ब्रांड एम्बेसडर?
तो गेमिंग एप्लीकेशन माई 11 सर्कल ने नियुक्त किया है इन दोनों पर्सनैलिटीज़ को एज दियर ब्रांड एम्बेसडर. हु हैज़ बीन नेम्ड एज डिश टीवी इंडियाज ब्रांड एम्बेसडर? आंसर हो जाएगा क्रिकेटर ऋषभ पंत. विच टेबल टेनिस प्लेयर वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड एज एन एडिडास ब्रांड एम्बेसडर? तो एडिडास ने हाल ही में मनिका बत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन ऑथर वॉज नेम्ड एज कंपेनियन ऑफ ऑनर बाय द यूनाइटेड किंगडम? तो इंडियन ऑथर सलमान रुश्दी को अपॉइंट किया गया है कंपेनियन ऑफ ऑनर बाय द यूनाइटेड किंगडम इनके लिटरेचर में दिए गए सर्विस के लिए. ठीक है, और इनकी एक बुक भी बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है मिड नाइट्स चिल्ड्रेन. और कंपेनियन ऑफ ऑनर ये एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब है जिसमें कि जो मेंबरशिप है वो लिमिटेड होती है टू जस्ट 65 पीपल एट एनी गिवन टाइम. और इसमें वो सारे लोग आ सकते हैं जिन्होंने लिटरेचर में अपना योगदान दिया है. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स और बुक्स देखेंगे एक बार. विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ बुक ऑन द बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइटल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन? तो ये बुक हाल ही में रिलीज की है इंडिया AI ने. हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल टोम ऑफ सैंड ओरिजिनली टाइटल्ड एज रेट्स मॉजोलियम विच हैज वन द 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? ये क्वेश्चन 3 स्टार का है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस साल के लिए मिला है गीतांजलि श्री को. वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 23rd of April को. और इस साल के लिए थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो. रोमिल लोनार्ड बुक प्राइज इज अवॉर्डेड टू द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ विच लैंग्वेज बुक इन टू इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश? तो ये बुक प्राइज दिया जाता है टू द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बुक इन टू इंडियन लैंग्वेज. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI? इसके लिए ऑथर हैं मिस्टर विनोद राय. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स एशिया एंड द पैसिफिक डिपार्टमेंट? तो कृष्णा श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. तो इनका 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है IMF में, और इसी के साथ इन्होंने डिपार्टमेंट सर्विलांस वर्क भी किया है ऑन द स्मॉलर पैसिफिक स्टेट सच एज फिजी एंड वैनुआटू. और जो बड़े सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नेशंस हैं उनके लिए भी इन्होंने वर्क किया है, फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड कोरिया. ठीक है, तो अब से ये बन गए हैं नए हेड IMF के एशिया और पैसिफिक डिपार्टमेंट के लिए. अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हेड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड? इसके लिए अपॉइंट किया गया है मिस्टर अनवर हुसैन शेख को. ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ग्राम उन्नति's न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? तो ग्राम उन्नति के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं सुनील अरोरा. हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज रॉयल एनफील्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो रॉयल एनफील्ड ने अपना नया CEO नियुक्त किया है गोविंद राजन को. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एयर इंडिया न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड MD? तो अब से एयर इंडिया के नए CEO और MD बन गए हैं कैम्बल विल्सन. हु वॉज अपॉइंटेड प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? आंसर हो जाएगा मिस्टर संजीव बजाज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डाया बे रिएक्टर न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट इज फंक्शनल इन विच कंट्री? तो ये जो न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट है ये फंक्शनल है चाइना में, और ये सिचुएटेड है डाया बे के पास जो कि अप्रॉक्सीमेटली 52 किलोमीटर्स है इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ हांगकॉन्ग. ठीक है, और ये जो मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन है इसमें डिफरेंट रिसर्चर्स हैं चाइना से, चिले, US, ताइवान, रशिया और ज़ेक रिपब्लिक से. ठीक है, तो जो डिटेक्टर्स हैं इसमें वो लाइट सिग्नल्स को पिकअप करेंगे जो कि जनरेट होते हैं एंटी न्यूट्रिनोस स्ट्रीमिंग से फ्रॉम नियर बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है, अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे एक बार. विच इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज द ग्रोइंग एंड कंजम्पशन ऑफ मारिजुआना? तो थाईलैंड ऐसी पहली एशियन कंट्री है जिसने कि लीगलाइज किया है ग्रोइंग ऑफ मारिजुआना को और इसका कंजम्पशन फूड और ड्रिंक्स में. ठीक है, एम क्या है? ताकि जो वहाँ का एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर है वो बूस्ट हो सके,
साथ ही याद रखिएगा थाईलैंड ने लीगलाइज किया था मेडिसिनल मैरिजुआना को 2018 में, और गवर्नमेंट ने वहाँ की ये प्लान किया था कि वो 1 मिलियन प्लांट एज अ कैश क्रॉप प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, ताकि इनका जो कल्टिवेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ सके। इंडिया हैंडेड ओवर $1 मिलियन टू विच कंट्री फॉर एयर फोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड IT लेबोरेटरी। तो इंडिया ने इतना अमाउंट प्रोवाइड किया है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हैंड ओवर किए हैं $1 मिलियन टू वियतनाम एयर फोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द फाइनल विजिट ऑफ हिज 3-डे विजिट टू वियतनाम, ठीक है। और इसके अलावा मिनिस्टर ने हैंड ओवर किया है वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड बोर्ड्स जो कि बिल्ड किए गए हैं अंडर $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पास्ड अ रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग विच कंट्री ऑन यूरेनियम ट्रेसेस। तो ये रेजोल्यूशन पास किया गया है क्रिटिसाइजिंग द कंट्री ईरान, और इस रेजोल्यूशन को फाइनली सबमिट किया गया है UK, फाइनली सबमिट किया गया है बाय UK, फ्रांस, जर्मनी एंड द US टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु ब्रिज द लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज इन द कंट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जैसा कि हम जानते हैं महात्मा गांधी सेतु सबसे लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज है कंट्री के अंदर, और ये कहाँ पे है, बिहार स्टेट में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। तो यूनियन कैबिनेट ने ये MOU अप्रूव किया है UAE के साथ, जिसके साथ में मिलकर ये डिसाइड हुआ है कि ये कॉपरेट करेंगे इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में, साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।